दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पोको M2 Pro का फुल बैटरी चार्जिंग टेस्ट करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको पोको M2 Pro का फुल चार्जिंग टेस्ट करने के साथ साथ इसका हीटिंग इश्यू भी दिखाऊंगा और हम देखेंगे कि पोको M2 Pro की जो बैटरी है वो फुल चार्ज होने में कितना टाइम लेती है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है साजी सैफी और मेरे चैनल टेक्निकल सैफी में आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूँ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पोको M2 Pro के अंदर कितनी बैटरी मिलती है चलिए इसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों पोको M2 Pro के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। वहीं अगर दोस्तों बॉक्स के अंदर अगर चार्जर की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों चार्जिंग टेस्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ़ोन का एक बार टेम्परेचर ले लेते हैं और उसके बाद हम बीच बीच में देखेंगे कि हमारे फ़ोन का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम कितना पहुंचता है। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें हमारे फ़ोन का जो टेम्परेचर है बैक साइड से वो 29 डिग्री आपको शो कर रहा है एंड दोस्तों अगर फ्रंट से देखें तो फ्रंट से भी आपको 29.7 डिग्री शो कर रहा है। चलिए दोस्तों हम चार्जर का भी टेम्परेचर एक बार ले लेते हैं ताकि हम बीच बीच में चार्जर का जो टेम्परेचर है इसको भी चेक कर सकें। तो दोस्तों अभी हमारे चार्जर का जो टेम्परेचर है वो 29.3 डिग्री आपको शो कर रहा है। तो चलिए दोस्तों फाइनली अब हम अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हैं और देखते हैं कि पोको M2 Pro फुल चार्ज होने में कितना वक्त लेता है। और जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें हमारा फ़ोन जो है वो कम्प्लीटली स्विच ऑफ है और हमारे फ़ोन की जो बैटरी है वो एकदम से 0% है एंड दोस्तों अब हम 0% है इसको 100% तक चार्ज करेंगे और देखेंगे कि ये कितना वक्त लेगा। तो चलिए दोस्तों मैं अभी अपने फ़ोन को एक बार ऑन कर लेता हूं क्योंकि जो हम चार्जिंग टेस्ट करने वाले हैं वो ऑन करके करने वाले हैं और जैसा कि अभी आप देख भी रहे हैं हमारे फ़ोन की जो बैटरी है वो 1% आपको शो हो रही है और गाइज हमने स्टॉपवॉच को भी स्टार्ट कर दिया है जैसा कि अभी आप देख भी रहे हैं। सो फाइनली हमारे फ़ोन को चार्जिंग पे लगे हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और दोस्तों 15 मिनट में हमारे फ़ोन की जो बैटरी है वो कितनी परसेंट हुई है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों 15 मिनट के अंदर जैसा कि अभी आप देखें हमारे फ़ोन की बैटरी 25% चार्ज हो चुकी है। चलिए दोस्तों एक बार हम अपने फ़ोन का टेम्परेचर लेके देखते हैं कि हमें टेम्परेचर अभी कितना देखने को मिलता है। तो दोस्तों फ्रंट से हमारे फ़ोन का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री आपको देखने को मिलेगा एंड दोस्तों अगर बैक से देखा जाए तो बैक से भी आपको 35 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलता है पोको M2 Pro का। चलिए अभी देखते हैं कि ये कितना वक्त और लेता है फुल चार्ज होने में और अभी हम टेम्परेचर भी देखते रहेंगे बीच बीच में। चलिए दोस्तों हम चार्जर का भी टेम्परेचर लेके देख लेते हैं कि कितना टेम्परेचर हमें शो करता है। तो दोस्तों अभी हमारे चार्जर का जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री हमें शो कर रहा है। सो फाइनली गाइस हमारे फ़ोन को चार्जिंग पर लगे हुए लगभग 30 मिनट हो चुके हैं चलिए देखते हैं कि 30 मिनट के अंदर हमारे फ़ोन की जो बैटरी है वो कितनी ज़्यादा चार्ज हुई है। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देखें हमारे फ़ोन की जो बैटरी है वो 42% पे आ चुकी है 30 मिनट के अंदर। अब चलिए फटाफट जल्दी से हम इसका टेम्परेचर एक बार चेक करके देखते हैं कि हमें कितना टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो दोस्तों फ्रंट से हमारे फोन का जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री पे पहुंच चुका है एंड दोस्तों अगर बैक साइड की अगर बात की जाए तो चलिए हम बैक साइड पे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों बैक साइड से हमारे फ़ोन का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री ही शो आपको कर रहा है एंड दोस्तों अगर चार्जर के टेम्परेचर की बात की जाए तो चार्जर का जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री आपको शो कर रहा है। चलिए अभी देखते हैं कि अभी हमारा फ़ोन कितना वक्त लेता है फुल चार्ज होने में। सो फाइनली गाइज हमारे फ़ोन को चार्जिंग पे लगे हुए लगभग 1 घंटे का वक्त हो चुका है और दोस्तों 1 घंटे के अंदर हमारे फ़ोन की जो बैटरी है वो 78% चार्ज हो चुकी है। अब चलिए फटाफट जल्दी से हम इसका टेम्परेचर लेके देखते हैं कि टेम्परेचर अभी हमें कितना देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी हमारे फ़ोन का जो टेम्परेचर है वो फ्रंट से 37 डिग्री आपको देखने को मिलेगा और दोस्तों अगर बैक की बात की जाए तो बैक में भी आपको 37 डिग्री का टेम्परेचर देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों इसके चार्जर का भी टेम्परेचर एक बार मैं लेके देख लेता हूँ। तो दोस्तों इसके जो चार्जर का मैक्सिमम टेम्परेचर अभी आपको शो कर रहा है वो 36 डिग्री शो कर रहा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पोको M2 Pro के अंदर जो हीटिंग इशू है वो बिल्कुल भी आपको हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पर ये हीटिंग को काफ़ी अच्छे से मैनेज करता है और मैंने ये बात पबजी गेम का जब मैंने रिव्यू किया था उस वक्त भी नोटिस की थी। खैर चलिए दोस्तों अभी देखते हैं कि फुल चार्ज होने में ये कितना वक्त अभी और लेता है। सो फाइनली गाइज हमारा फ़ोन लगभग 90% चार्ज हो चुका है और दोस्तों 90% चार्ज होने में हमारे फ़ोन को 1 घंटे 17 मिनट का वक्त लगा। अभी चलिए फटाफट जल्दी से हम इसका टेम्परेचर भी देख लेते हैं कि अभी टेम्परेचर हमें कितना देखने को मिलता है। तो दोस्तों अभी हमारे फ़ोन का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री पे आ चुका है फ्रंट से जो कि मेरे हिसाब से अभी कम हो चुका है और दोस्तों अगर बैक से देखें तो बैक से भी हमारे फ़ोन का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री के पास आ चुका है। चलिए एक बार मैं इसके चार्जर का टेम्परेचर है उसको भी चेक करके देख लेता हूँ। तो दोस्तों हमारे चार्जर का जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री पे आ चुका है। तो दोस्तों अभी हमारे फ़ोन का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया है और मोस्टली जितने भी फ़ोन होते हैं उन सभी के टेम्परेचर जब फ़ोन हमारा लास्ट में चार्ज होने वाला होता है तब वो टेम्परेचर उनका कम होने लगता है। चलिए दोस्तों अभी देखते हैं कि लास्ट के 10% चार्ज होने में अभी हमारे फ़ोन को कितना वक्त और लगता है। सो फाइनली गाइस हमारा पोको M2 Pro 100% चार्ज हो चुका है और दोस्तों 100% चार्ज होने में इसने 1 घंटे 35 मिनट का वक्त लिया। चलिए दोस्तों अब मैं आपको एक बार टेम्परेचर दिखाता हूँ कि अभी हमारे फ़ोन का जो टेम्परेचर है वो हमें कितना देखने को मिलता है। तो दोस्तों फ्रंट से हमारे फ़ोन का जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री आपको देखने को मिलता है एंड दोस्तों अगर बैक साइड की बात की जाए तो बैक साइड पर आपको 33 डिग्री के आसपास टेम्परेचर देखने को
मिलता है। वेल दोस्तों, एक बार हम चार्जर का टेम्परेचर भी चेक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे चार्जर का जो टेम्परेचर है वो 33 डिग्री के आसपास आ चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पोको M2 Pro का जो हीटिंग इश्यू है वो तो आपको इसके अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जब हमने अपने फोन को चार्जिंग पे लगाया था तब हमारे फोन का जो फ्रंट से टेम्परेचर था वो 29 डिग्री था और बैक से जो हमारे फोन का टेम्परेचर था वो भी 29 डिग्री के आसपास ही था। एंड दोस्तों, फाइनली अभी हमारे फोन का जो टेम्परेचर है फ्रंट से वो 34 डिग्री है और उसके बाद दोस्तों अगर बैक साइड की बात जाए तो बैक साइड में भी आपको 33 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ मेरे हिसाब से 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर ही आपको बड़ा हुआ दिखाई देगा पोको M2 Pro का, अगर आप इसको 0 से 100% तक चार्ज करते हैं। एंड दोस्तों, अगर चार्जर के टेम्परेचर की बात की जाए तो चार्जर का जो टेम्परेचर है वो भी आपको एकदम से नॉर्मल देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जब हमने अपने फोन को चार्जिंग पर लगाया था तब दोस्तों हमारे चार्जर का जो टेम्परेचर था वो 29 डिग्री था और दोस्तों अभी हमारे जो चार्जर का टेम्परेचर है वो 33 डिग्री के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पोको M2 Pro के अंदर आपको बिल्कुल भी हीटिंग इश्यू देखने को नहीं मिलता है और ये फुल चार्ज होने में 1 घंटे 35 मिनट का वक्त लेता है 33 के फास्ट चार्जर से। तो दोस्तों, इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने आपको पोको M2 Pro का फुल बैटरी चार्जिंग टेस्ट बताया और साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको इसका हीटिंग इशू भी दिखाया कि पोको M2 Pro के अंदर आपको हीटिंग इशू देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ हीटिंग इशू आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है और जो चार्जिंग स्पीड है वो एकदम से इसकी काफ़ी बढ़िया है, आप काफ़ी अच्छे से इसको चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आपको बैटरी मिलती है वो 5000 mAh की बैटरी मिलती है। तो दोस्तों, 5000 mAh की बैटरी जो होती है वो काफ़ी बड़ी बैटरी होती है जिसको दोस्तों ये 1 घंटे 35 मिनट में फुल चार्ज कर देता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ऐसी एक और मज़ेदार वीडियो के साथ।